तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंद्र ड्रग एजेंसी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डॉक्सीनेट ओडी के बारे में मुख्य जानकारियां आपको देंगे, जैसे डॉक्सीनेट ओडी टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है, यह कैसे काम करती है, कब इसे नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के इसका उपयोग न करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो, आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, डॉक्सीनेट टैबलेट का उपयोग गर्भ अवस्था में होने वाले उल्टी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह दवा पायरीडॉक्सिन विटामिन बी के साथ डॉक्सीलामाइन से मिलकर बना है। दोस्तों, इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रेगनेंसी में मतली और उल्टी के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को खाने के बाद इसका प्रभाव कितनी देर बाद पड़ता है? इस दवा का प्रभाव डोज पर निर्भर करता है। औसतन डोज में इसका प्रभाव 6 से 8 घंटों में होता है। दोस्तों, एक सवाल और भी रहता है कि आपको कितनी बार डॉक्सीनेट टैबलेट का प्रयोग करने की जरूरत है? दोस्तों, आपको बता दें, आमतौर पर इसका उपयोग दिन में 1 या 2 बार किया जाता है, क्योंकि इस दवा के प्रभाव का समय अंतराल लगभग 12 से 24 घंटे होता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है, क्या मुझे इस दवा को खाली पेट खाना चाहिए या खाना खाने के बाद खाना चाहिए? इस दवा को भोजन या भोजन से पूर्व खाने का कोई निर्भर नहीं करता है। इस दवा का सेवन करने वाले लोग कुछ साइड इफेक्ट का अनुभव कर सकते हैं। इन दुष्प्रभावों में ये सब शामिल हो सकता है, जैसे दुष्प्रभावों में कब्ज, उपनीद, चक्कर आना, सिर दर्द और मुंह, नाक, कान सूखा शामिल हो सकता है। इस दवा को जानने में हमारी यह वीडियो आपका थोड़ा सा भी मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।